हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। हम अगर किसी भी तरह का काम करते हैं तो हमें सिर्फ पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है। आज के समय में हर इंसान पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, यानी कि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। तो आपने कभी ये सोचा है कि अगर आज के टाइम में पैसा नहीं होता तो हमारा ये समय कैसा होता? और शायद आपने ये भी सोचा होगा कि आज के समय तो ठीक है, लेकिन जब पहले पैसा नहीं था तो लोग किस तरह से एक दूसरे से लेन देन करते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण और बेनिफिशियल जानकारी आपको बताऊंगा, जिससे आपके कॉमन सेंस में भी बढ़ोतरी होगी। और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पैसे का आविष्कार कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। पुराने समय में लेन देन करने के लिए जानवरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था। उस समय पर सिर्फ जानवर ही एक व्यापार का तरीका होते थे, क्योंकि उस समय जानवर सबसे ज्यादा होते थे, ना कि आज के जमाने की तरह गाड़ियाँ होती थी। उस समय एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए भी जानवरों का ही इस्तेमाल होता था, जैसे कि ऊंट है, हाथी है, घोड़ा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, और इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इजिप्ट में किसी भी खरीदारी करने के लिए सोना और सिल्वर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन हर समय सिल्वर और सोने को अपने साथ में रखना मुश्किल होता था और इससे लूटपाट का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता था। इसके बाद पहली बार 650 BC में लीडिया में सिक्के की करेंसी को बनाया गया और इसे बहुत पसंद भी किया गया। फिर खरीदारी करने के लिए सिक्के तो बनाए जा चुके थे, लेकिन खरीदारी करने के बाद रसीद नहीं थी। 12वीं शताब्दी में रसीद के लिए टेलीस्टिक का इस्तेमाल किया गया। टेलीस्टिक लकड़ी की हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में पेपर बहुत महंगा हुआ करता था, और इसे हम उस जमाने की रिसिप्ट कह सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में हम कोई भी सामान लेने के बाद कोई रिसिप्ट देती है, और जिससे एक रिसिप्ट हमारे पास और एक रिसिप्ट जिसने बेचा है सामान उसके पास रहती थी। इसके बाद गोल्ड स्मिथ बैंकिंग इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में शुरुआत की गई। अब लोग अपना पैसा और अपना सोना प्राइवेट बैंक में जमा करवाते थे और रसीद ले लेते थे, और इस रसीद के जरिए खरीदारी करते थे। जैसे जैसे पेपर बढ़ते गए और पेपर आम होते गए सभी के बीच में, तो टेलीस्टिक की जगह पर बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल होने लगा। बिल ऑफ एक्सचेंज और टेलीस्टिक एक ही तरह के होते थे, ये उस जमाने का क्रेडिट कार्ड होते थे। इस तरीके से पैसे चोरी होना और पैसे की लूटपाट से भी बचाया जा सकता था, और पैसे को हमेशा साथ में भी रखना नहीं पड़ता था। 11वीं शताब्दी में चीन में सबसे पहले पेपर करेंसी बनाई गई, और इसी प्रकार से चाइना को देखते हुए यूरोप में भी धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ, और फिर धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में पेपर करेंसी फैल गई। भारत में सबसे पहली बार शक्ति के रूप में करेंसी का आरंभ 1540 से 1545 के बीच में माना जाता है। भारत में सबसे पहली बार करेंसी के रूप में सिक्के को चलाया गया था, और सबसे पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसे चलाया गया था, और चांदी का भी सिक्का हुआ करता था जिसका भार 11.534 ग्राम था, और सोने का सिक्का भी होता था जिसे मोहर कहा जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया रुपया आज तक हमारे भारत में चल रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये चल रहा था। उस समय इसका भार 11.66 ग्राम था, और उस भार का 91.7% शुद्ध चांदी का होता था। 19वीं शताब्दी तक दुनिया भर के सभी देश सिक्कों को बनाने के लिए चांदी और सोने का इस्तेमाल होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद चांदी के बने सिक्कों में बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली। इनका वैल्यू बहुत ही कम हो गया, और इस घटना को रुपए की गिरावट के रूप में भी माना जाता है। भारत में 18वीं शताब्दी तक सिक्कों का प्रचलन जारी था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तो उसके बाद भारत में पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ, और भारत में सबसे पहली बार पेपर करेंसी बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कोलकाता में 1770 में चलाया था। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने रुपए जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद सबसे पहली बार एक रुपये का नोट बनाया गया था, जिसे 1949 में लागू किया गया। फिर उसके बाद भारत में सरकार द्वारा नोट बनाए गए थे। तो इस तरह से दुनिया में
व्यापार करने के लिए सिक्के की करेंसी और नोट की करेंसी का आविष्कार हुआ था। करेंसी के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो यूरोपियन देश नेदरलैंड में राम नाम की नोट चलती है। इस नोट को महर्षि महेश योग की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने साल 2002 में जारी किया था। एक राम यूरोप में 10 यूरो और यूएस में 10 डॉलर के बराबर है। इस मुद्रा के नोट एक राम, पांच राम और 10 राम के रूप में छपते हैं। हे राम, भारत सरकार को 10 रुपए के हर एक नोट के प्रिंट का खर्च 1.01 रुपए लगता है। 2000 रुपए के नोट पर 4.18 रुपए खर्च होते हैं। प्रत्येक 500 रुपए के नोट की छपाई के लिए लागत 2.57 रुपए होती है और 100 रुपए के नोट के लिए 1.51 रुपए होता है। सबसे अधिक खर्च 10 रुपए के सिक्के बनाने में लगता है, 6.10। दुनिया की करेंसी का केवल 8% ही फिजिकली वेल्थ है। ज्यादातर पैसा लेन देन डिजिटल रूप में एटीएम या नेट बैंकिंग के जरिए किया जाता है, जिससे कोई भी फिजिकली मनी हाथ में नहीं रहता। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।